आज हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। जब भी कोई ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो उनको कौन-कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है नहीं जहां पर बेसिक प्रिंसिपल्स के रूल्स जो हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स के नाम जो हैं वो दिए हुए हों, लेकिन एक ऑडिटर की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट कहा जाता है, और जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाएंगे तो वो इन बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे और सारे के सारे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स इसके अकॉर्डिंग ही होंगे। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एथिकली रिक्वायर्ड हैं, इस प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं एज पर कोड ऑफ एथिक्स इन SA 200, इन SA 220। सबसे पहला आता है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। एक ऑडिटर को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए अपने काम में, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, खुद के काम में ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सच्चा और सिंसियर होना चाहिए, अपने प्रोफेशनल वर्क को लेकर बहुत ही इंटेग्रेटेड और सही दिशा में सोच के वाला एक ऑडिटर होना चाहिए। उसको फेयर होना चाहिए अपनी ड्यूटीज में, बिल्कुल सच्चा काम जो है सच्चा काम वो करना है, उसने किसी की भी साइड नहीं लेनी, किसी भी क्लाइंट को की साइड नहीं लेनी है, और अपने ऑडिट प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज नहीं करना है, किसी की भी प्रीजुडाइस या बायास नहीं होना चाहिए, अपने काम को ही इंपॉर्टेंस देनी है, किसी की तरफ पार्शल हो जाना या किसी क्लाइंट की तरफ झुकाव हो जाना, उसके ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी गलत छाप देना क्योंकि वो जो क्लाइंट है वो उसका दोस्त है या रिश्तेदार है, इस तरह का पार्शल बिहेवियर किसी भी ऑडिटर से की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उसको इम्पार्शियल एटीट्यूड रखना है, जो जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने प्रोफेशनल काम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख रुपए की घूस या ब्राइब लेकर किसी भी क्लाइंट से अब उसकी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी लिख दे जो कि क्लाइंट को ही फायदा दे, इस तरह का कोई भी उसका अपना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल सच्चे सुच्चे काम की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई काम जो उसकी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बीच में आए वो काम उसको नहीं करना है, ना ही उसका कोई एटीट्यूड इस तरह की बात दर्शाए, ना ही किसी क्लाइंट को उसके एटीट्यूड में से ये स्मेल आए कि ये ऑडिटर कुछ मुझसे मांग रहा है और मांग कर ये वाला काम मेरा कर देगा। जी नहीं, इस तरह का उसका बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा बंदा उसको इस तरह से जज करे, उसको ब्राइब ऑफर करे। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, एंड ही इज नॉट टू बी डिपेंड ऑन अदर्स। वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने काम को लेके, ना ही वो दूसरे से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्लाइंट क्या चाहता है उससे, ना ही उसको इस बारे में सोचना है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देखना है कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है। वो अपने स्टाफ पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नो डाउट एक ऑडिटर बहुत सारा स्टाफ रखता है क्योंकि सारा काम तो एक इंसान ऑडिटर नहीं कर सकता, लेकिन स्टाफ ने अपना काम करना है, लेकिन उसको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। उसको आंख बंद करके स्टाफ की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको नहीं बिलीव करना है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर का काम सिर्फ विजिट देना होता है कि आप बड़ी वाली गाड़ी में बैठकर आए, आपने 1 घंटा वहां चाय पी, गप्पे मारी और फिर आप बड़ी वाली गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना है, कोई रिश्वत नहीं लेनी है। ही इज नॉट वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। वो उसको जो इंप्लॉयर है उसका, वो क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट के लिए वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी बुक्स ऑफ ऑडिट के लिए काम कर रहा है। उसको ये बात हमेशा हमेशा जो है वो याद रखनी चाहिए। ना तो उससे उसको किसी से इन्फ्लुएंस होना है, ना ही वो अपने किसी स्टाफ पे डिपेंड रहे। नो डाउट स्टाफ से काम तो लेना ही है, लेकिन काम भी आंख बंद करके नहीं लेना है, आंख खोल के बहुत ध्यान पूर्वक काम लेना है और स्टाफ के काम को भी चेक करना है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब भरोसा किया है ना क्लाइंट ने आपको अपनी बुक्स देकर, तो आपने वो इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट की किसी थर्ड पार्टी को लीक नहीं करनी है, किसी अन्य रिश्तेदार को, आपके क्लाइंट के कॉम्पिटिटर को, किसी और ऑडिटर को, किसी और अकाउंटेंट को, आपने कोई भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताना है। उसको इस बात की रिस्पेक्ट करनी है कि ये इंफॉर्मेशन उसके हाथों में दी गई है, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक
ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखनी है। सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि कोई उल्टी सीधी बात है, वो सीक्रेट कोई लेडीज गॉसिप नहीं है ये कि एक से सुनी और दूसरे को बना दी, ऐसी वाली सीक्रेसी नहीं। जो भी उसका रेगुलर क्लाइंट का जो भी रेगुलर काम है वही एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। उसको काम को कैसे कर रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अंदर से कैसे चल रही है, ये सब सीक्रेट्स ही होती हैं एक बिजनेस की। जैसे हर घर की अपनी कोई सीक्रेट होती है, उसी तरह से हर बिजनेस की अपनी कोई सीक्रेट होती है जो कि ऑडिटर को किसी भी थर्ड पार्टी को बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी। काम के दौरान ऐसे बहुत सारी बातें उसके आगे आएंगी जो सिर्फ उसी को पता चलेंगी उस बिजनेस के बारे में, तो उसको थर्ड पार्टी को किसी और बिजनेसमैन को वो बातें नहीं बतानी है, ना ही जानबूझकर ना ही अनजाने में। इतना उसको अपने दिमाग के ऊपर अपने बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना है कि अनजाने में भी कोई बात लीक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी लॉयर को वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी बहुत ज़रूरी है उस बिजनेस के बारे में, कोई लॉयर भी इन्वॉल्व है, आपने वो बात लॉयर को बता दी क्योंकि वो लीगल वर्क था, तो वो बात और है। आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी में आपको किसी और को वो ऑडिटर को बात बतानी पड़ गई, देन इट इज़ ऑल राइट, बट यू डोंट हैव, आप बाहर वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आपके क्लाइंट ने आपके ऊपर भरोसा कर ऑडिटर के ऊपर भरोसा कर सारी अपनी अंदर की इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो आपको वो थर्ड पार्टी को पास नहीं करनी है। जैसे कि आपको बताया, जो भी यू नो छोटे छोटे काम उसको दिखते हैं अच्छे बुरे क्लाइंट के और बिजनेस के बारे में, वो कुछ भी डिस्कस करना है तो आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कीजिए, आप थर्ड पार्टी तक नहीं जाइए। ना ही थर्ड पार्टी का मतलब आपका कॉम्पिटिटर हो गया, कोई और बिजनेसमैन हो गया, कोई स्टाफ हो गया, मैनेजर, डिप्टी स्टाफ, डिप्टी मैनेजर, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये अपना प्रोफेशनल सेटअप मेंटेन रखना है कि कहीं बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जो आपको पता चलिए आपको डिस्कस करना है तो आप ओनर के साथ कीजिए, क्लाइंट के साथ कीजिए। नेक्स्ट इज स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर। अगर वो खुद ही काबिल नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। अगर वो खुद काबिल नहीं है तो अपना काम नहीं कर सकता, अपने स्टाफ से काम नहीं करवा सकता, अपने स्टाफ का काम चेक नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए एक ऑडिटर को अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। उसको ऑडिट परफॉर्म करना है, नो डाउट, वो रिपोर्ट अपने प्रोफेशनल केयर के साथ बनानी है, उसको प्रॉपर एडिक्वेट ट्रेनिंग ली जानी चाहिए, यू नो द ऑडिटर को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। उसमें अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर वो अपने काम में ही परफेक्ट नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऑडिटिंग के लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर एजुकेशन भी चाहिए, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो तो अगर आपको अपना लेक्चर ही नहीं आता तो आप बच्चों को भी कभी भी नहीं प्रॉपर ढंग से पढ़ा पाओगे। उसी तरह से ऑडिटर को अगर कुछ खुद ही समझ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे दूसरे इंसान की बुक्स ऑफ ऑडिट चेक कर पाएंगे, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास हुआ होना चाहिए प्रॉपरली एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी के साथ, और उसको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के वो कोई काम नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने काम में प्रॉपर हो पाएंगे। इसलिए उनको अपना एजुकेशन सब कुछ बिल्कुल फिट चाहिए। उनको ऑडिटिंग के साथ आपने किताबें पढ़ ली और आप आ गए अपना ऑडिट करने के लिए, इतना काफ़ी नहीं है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आपके रिलेटेड फील्ड के साथ, उनके ऊपर भी आपको प्रॉपर अवेयर होना चाहिए, लेटेस्ट हो क्या रहा है। प्रनाउंसमेंट ऑफ ICAI ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर्स के साथ आपको टच में रहना चाहिए, कौन सा सेमिनार हो रहा है, कौन सा CA की और डिटेलिंग आ रही है, क्या लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं, सारे रेलेवेंट रेगुलेशन, स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट्स आपको सब पता हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपने बेस लेवल पे काम नहीं किया आप कभी भी एक अच्छे ऑडिटर नहीं बन सकते हो। आपकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इफ़ यू हैवंट वर्क हार्ड, इफ़ यू हैवंट स्टडीड, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑडिटर का जो स्टाफ है उसको भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। व्हेन यू आर अपॉइंटिंग योर स्टाफ, आप अपने अंडर जो पर्सन्स रख रहे हो, अगर वो आपने एजुकेटेड नहीं लिए हैं तो वो आपके काम को ही अफेक्ट करेंगे, आपका प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपके अंडर लोग रखे हैं, आपने अपना स्टाफ रखा है, वो भी ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर पाएंगे, वेरीफाई नहीं करने चाहिए, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर एक्सपर्ट होना चाहिए और इस तरह सा स्टाफ रखिए जो वो भी एक्सपर्ट हो। आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आपको एक एक चीज़, आपके स्टाफ को एक एक चीज़ आना चाहिए। दैट मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे।
नेक्स्ट इज द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स. देखिए जब आप ऑडिट करने जाते हो तो एक ऑडिटर सारा का सारा काम नहीं कर सकते हैं, तो आपने अपने नीचे स्टाफ रखा होगा, सबॉर्डिनेट्स रखे होंगे. तो वो सबॉर्डिनेट्स जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया, दे शुड बी वेरी प्रॉपर. आपको अपने स्टाफ के काम से सेटिस्फाई होना है. आप सब ट्रांजेक्शन्स तो चेक नहीं कर सकते ना, कुछ ट्रांजेक्शन्स तो ऑडिट स्टाफ ने चेक करनी है. ऑडिट स्टाफ को कौन अपॉइंट कर रहा है? ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है. ऑडिट स्टाफ सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखेगा और ऑडिटर की ये ड्यूटी रहती है कि वो अपने स्टाफ का किया हुआ काम चेक करे. अगर कोई स्टाफ गलती कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिटर की है, उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर ने नहीं करी. अगर स्टाफ ने गलती करी है फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ही रहेगी. वो इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि अरे भैया मैंने तो ये लिखा ही नहीं नोटबुक में, मेरे स्टाफ ने लिखा है, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. इस तरह की बातें नहीं चलेंगी. गलती उनकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसलिए आपने आंख नाक खोल कर ही सारे काम जो हैं वो चेक करने हैं. जो स्टाफ ने गड़बड़ कर दिया वो गड़बड़ आपके सिर आएगी. ऑडिटर अपने काम अपने असिस्टेंट से करवाएंगे और जो दूसरे ऑडिटर्स भी काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, उनका काम भी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यूज़ करोगे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही रहेगी, उस सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की. आप दूसरों के काम के ऊपर रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ उस काम को प्लीज़ चेक कीजिए. अगर आप ब्रांच ऑडिटर्स के द्वारा किए गए काम के ऊपर भरोसा कर रहे हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, तो आपको ऑडिटर रिपोर्ट में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ये काम जो है वो ब्रांच ऑडिटर ने किया था और मैंने उसका काम पर भरोसा किया है. अपने स्टाफ के लिए आपको सब कुछ डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, जितने भी असिस्टेंट्स हैं उनके काम को रिव्यू करना है, चेक करना है. आपको ये प्रॉपर अश्योरेंस मिलना चाहिए कि ये जो वर्क परफॉर्म दूसरे ऑडिटर ने या एक्सपर्ट्स ने किया है वो आपके लिए सही है. अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो प्लीज़ आप काम खुद कीजिए. आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ध्यानपूर्वक अपने स्टाफ का काम कॉपी करना है, क्योंकि काम तो स्टाफ कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है. इंटरनल ऑडिटर का काम भी आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट ओपिनियन आपने देना है. आप उसके किए गए काम को बेस मानकर अपना ओपिनियन बनाइए, बट स्टिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स एंड यू हैव टू चेक इट प्रॉपरली. नेक्स्ट इज द प्लानिंग. अगर आपने कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कर ली तो वो काम आधे में ही पूरा हो जाता है, ऐसा माना जाता है. इसी तरह से ऑडिटर को भी अपना काम जो है वो प्रॉपर प्लान करना है, एफिशिएंटली काम खत्म हो जाए, टाइम पर काम खत्म हो जाए. हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, स्टाफ मेंबर्स कौन से हैं, कैसे आप क्लाइंट के बारे में समझेंगे, एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम हो रहा है, अकाउंट्स कैसे बन रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम क्या है सब समझिए, एडमिन कौन है, अकाउंट स्टाफ कैसा है उस क्लाइंट का, पॉलिसीज कैसी हैं, इंटरनल कंट्रोल, डिटर्मिनिंग द प्रोग्रामिंग ऑफ द नेचर, क्या काम तुमने करने हैं, किस टाइम पे करना है, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, तुमने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरह से प्लान करने हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, आपस में तालमेल कैसे बनाना है, ये सारी प्लानिंग पहले ही हो जानी चाहिए. एक ऑडिट सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं ये प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है. अगर प्रॉपर प्लान है तो आधा काम तो पहले ही खत्म हो जाता है. सो द प्लान्स को बहुत सोच समझ कर बनाइए. ऑडिट प्रोसीजर में इसका बहुत बड़ा महत्व हमेशा से रहता है. नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा संभाल कर रखने चाहिए. डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये जो वाउचर्स होते हैं उनको संभाल के रखिए, क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बेस बनाकर ही एविडेंस प्रूफ सबूत क्या है, सबूत क्या रहता है, ये डॉक्यूमेंट ही सबूत रहता है. अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनको फॉलो करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन का मतलब अपने सारे कागज, अपने सारे एविडेंस, अपने सारे वाउचर्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना है. इन्हीं के बेस के ऊपर ही तो वो काम करेंगे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से तो नहीं होता ना. अगर क्लाइंट आपको बोल देगा जी हमने 200,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा था, तो आप कैसे मानेंगे? आपके पास वो सबूत चाहिए. अगर आपके पास वो वाउचर है, बिल है, तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज तो आप बिलीव नहीं करोगे. तो आपको सारे वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स सेफली रखने हैं. अगर आप अपने काम के दौरान किसी फ्रॉड को डिटेक्ट करते हो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्रॉड हो रहा है, वो भी आपको क्लाइंट के साथ ही डिस्कस करना है, क्लाइंट को बताना है. तो क्लाइंट भी तभी मानेगा ना अगर प्रूफ होगा. अगर आपने अपनी बुक्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर सेट करके नहीं रखा है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? टैक्स अथॉरिटीज़ भी आपसे कुछ भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकती हैं. जो भी आपसे पूछे, क्लाइंट पूछे, टैक्स अथॉरिटीज़ पूछें, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए.
नेक्स्ट इज द ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एक एविडेंस के थ्रू ही किया जाता है. अगर एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो कोई भी उस ट्रांजैक्शन को नहीं मानेगा. एविडेंस में वाउचर आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं. अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मैन्युपुलेशन, कुछ फ्रॉड, कुछ हेर फेर हुआ है, वो भी एविडेंस के बेस पर ही निकाला जाएगा. अगर ऑडिटर चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, तो कोई नहीं मानेगा जब तक उसके पास उसका एविडेंस नहीं है. ऑडिटर को प्रॉपर एविडेंस रखना है अपने पास. उसके लिए दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जो ऑडिट के लिए उसने करने हैं. एक है कंप्लायंस प्रोसीजर और एक है सब्सटेंशिव प्रोसीजर. कंप्लायंस प्रोसीजर्स वो टेस्ट हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं इंटरनल कंट्रोल की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए. इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं, अगर ये प्रोसीजर्स टेस्ट कर लिए जाएंगे तो उसको ये तसल्ली हो जाएगी कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है और मैं इंटरनल कंट्रोल के बिहाफ को अपने उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ. ये हो गए आपके कंप्लायंस प्रोसीजर्स, जो कि वो टेस्ट होंगे जिनके बेस पर इंटरनल कंट्रोल चेक किया जाएगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं. सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर है, उसकी कंप्लीटनेस, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, डाटा प्रॉपर है या नहीं. तो ये सारे टेस्ट की डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या बैलेंसेस ठीक से बताए गए हैं, सिग्निफिकेंट रेशियोज को एनालिसिस किया गया है, क्या उनकी इंक्वायरी में कुछ ऊपर नीचे की आइटम्स हो रही हैं कि नहीं, ये सारे एविडेंस ऑडिटर के पास होने चाहिए. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. देखिए ये कौन बनाता है अकाउंटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट बनाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. हर ऑडिटर को अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल चेक करना है कि यहाँ सब ठीक है कि नहीं. अगर ठीक नहीं है तो उसको उसी हिसाब से प्लान करना है, उसको समझना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम है क्या. उस फर्म के अकाउंटिंग सिस्टम को बनाने वाली होती है मैनेजमेंट टीम, लेकिन ऑडिटर को पहले ही नॉलेज होनी चाहिए. उसको ये स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग सिस्टम कैसा चल रहा है. जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की कि एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, इंटरनल कंट्रोल चल रहे हैं. उस बिजनेस के साइज और नेचर को देखते हुए ही ये दोनों चीज़ें डिवाइस की जाती हैं. ऑडिटर को ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उनका अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड हो रही है वो सही रिकॉर्ड हो रही है, और इंटरनल कंट्रोल जो अंदर चेक हो रहा है क्या वो भी भरोसे लायक है या नहीं. उनको अपने अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में ऑडिटर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, और उनको पूरी नॉलेज स्टडी करनी है इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, ताकि क्या वो इंटरनल कंट्रोल के बेस के रिपोर्ट को भरोसा कर सकता है या नहीं कर सकता है. और उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई और ऑडिट प्रोसीजर हो रहा है. जब वो ये तसल्ली कर लेता है कि इंटरनल कंट्रोल भरोसे के लायक है, तब जो ये जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स पिछली स्लाइड में बताए थे उनको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है. फिर वो इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट को, इंटरनल कंट्रोल पर भरोसा कर सकता है. नेक्स्ट इज ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग. देखिए फिर एक ऑडिटर को एक ऑडिट रिपोर्ट देनी है. ऑडिट रिपोर्ट देना एक कला है, एक आर्ट है. आपको बहुत ज़्यादा लंबे पेजेस नहीं भरने हैं, कोई रामायण महाभारत नहीं लिखनी है कि बस लिखी जा रहे हो. क्रिस्प लैंग्वेज के साथ, इन शॉर्ट, आपको सारी रिपोर्ट अपनी देनी है. गन पॉइंट्स के साथ आपको क्लियर होना चाहिए आपको क्या लिखना है, कब लिखना है, बिना किसी हिचकिचाहट के, प्रॉपर स्किल्स के साथ, टैक्टफुली, कंसाइज मैटर के साथ, टू द पॉइंट आपको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. ऑडिटर को अपने कंक्लूजन्स जो हैं वो प्रॉपरली देखने हैं ऑडिट एविडेंस के बिहाफ पर, और उस बिजनेस के नॉलेज के बिहाफ पर सब कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हुए अपनी रिपोर्ट, अपना ओपिनियन देना है. उसमें एक कंक्लूजन दिया जाता है कि क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनाई गई है, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज के, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग है, कुछ हेर फेर तो नहीं हो रहा, क्या ये अकाउंटिंग गाइडलाइंस हर जगह अप्लाई की गई हैं. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारी स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूट होता है लॉ के मुताबिक ही लिखी गई हैं, कुछ घुमाया फिराया नहीं गया है, और सारी की सारी प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की दी गई है या नहीं. ऑडिट रिपोर्ट में क्लियर रिटन ओपिनियन होना चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का. अगर उसके बाद कोई उलट बात ऑडिटर को उस बिजनेस के बारे में लगती है, कुछ गलत लिखती है, या ये क्लेम करता है कि देखिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसके बाद वो बताना नहीं चाह रहे थे, अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी खुलकर लिखिए. ऑडिट रिपोर्ट में ये सब रीजंस दिए हुए होने चाहिए. कॉन्फिडेंट होना चाहिए,
सच्ची रिपोर्ट आगे आनी चाहिए, आपको उसमें कुछ भी छुपाना नहीं है और किसी का भी पक्षपात नहीं लेना है, क्लाइंट की तरफ पक्षपात नहीं लेना है कि ठीक है ये फ्रॉड कर रहे हो करते रहो, मैं अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं करूँगा, ये गलत है, उसको ये प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करने हैं। सो हमारा आर्टिकल आज का यहीं ख़त्म होता है, आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।